सो गाइस, आज हमारे थाने वाले वर्कशॉप पे ये वाली शेप की क्रेटा आई हुई है। अभी तक हमने इस शेप की क्रेटा का काम नहीं किया हुआ था। इनफैक्ट ये क्रेटा का फेस स्ट्रिप जो अभी आया है उसका भी पॉसिबल है। ओनली थिंग इज कि वी हैव टू टेक ऑल द पार्ट्स फ्रॉम हुंडई कंपनी ओनली। सो आई डोंट नो कितना फिजिबल होगा, बट कहीं ना कहीं हर एक कस्टमर की अपनी अपनी एक चॉइस है। अगर आप इस क्रेटा को देखो और इसके पहले का जो था टाइप 2 और ये टाइप 3, तो ये टाइप 3 बहुत अलग दिखता था टाइप 2 से। और अभी वाली जो टाइप 4 क्रेटा आई है वो ऑलमोस्ट ऐसे ही लगता है कि एक बड़ी वेन्यू है। सो आई डोंट नो, एवरीवन हैज देयर ओन चॉइस। हमारे कस्टमर ने भी वो डिसाइड किया कि ये ज़्यादा बोल्ड लगती है तो उनको फेसलिफ्ट नहीं करना है, बट उनको इस गाड़ी को एक ऐसे कलर में पेंट करना है कि गाड़ी पेंट की वजह से एकदम ज़्यादा स्पोर्टी लगे। इसमें हम जी वैगन का एक ग्रीन कलर है वो करने जा रहे हैं। इट्स वेरी प्रीमियम कलर, 2024 की मर्सिडीज जी वैगन में आया हुआ है, वो कलर करने वाले हैं। प्लस जितने भी डैमेज पार्ट्स है वो हम रिप्लेस करेंगे, जो जो चीज़ें रिपेयरेबल है हम रिपेयर करेंगे। इसमें अलॉय व्हील्स नहीं है तो अभी हम इसमें अलॉय व्हील्स भी डालेंगे और शायद 1 इंच इसका टायर और अलॉय का साइज भी हम अपग्रेड करेंगे। और इसके अलॉयज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बिकॉज वो जो हम कलर करने वाले हैं उसके साथ वो बहुत ज़्यादा सूट होगा। ब्रॉन्ज कलर के अलॉयज है और उसकी डिज़ाइन भी बहुत अच्छी है, तो वो भी हम करने वाले हैं। पीछे से कोई मेजर चेंज नहीं है, बट छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि आप ये साइड क्लैडिंग देख सकते हैं, ये आईब्रोज है, इसको भी हम बॉडी कलर में करेंगे। जैसे ही हम इसको बॉडी कलर में करेंगे तो गाड़ी और ज़्यादा वाइड लगेगी और ज़्यादा बड़ी लगेगी। तो ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। प्लस इसका इंटीरियर कम्प्लीटली हम कस्टमाइज़ करेंगे। अभी भी आप देखेंगे तो इसमें एक्चुअली 3 कलर है। सो यू कैन सी देर इज़ अ आइस ग्रे कलर, इज अ ब्लैक कलर, प्लस कस्टमर ने उनके हिसाब से ये सीट कवर्स भी इसमें किए हुए थे। अब हम जब इसमें काम करेंगे तो पूरा इंटीरियर को हम ड्यूअल टोन में करने वाले हैं, फिर से पूरा काम करेंगे। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और ये हमारे थाने वाले वर्कशॉप में हो रहा है। स्टे ट्यून गाइस, एंड एट द एंड दिस कार इज गोना लुक वेरी वेरी गुड। सो गाइज, अभी ये कार का पेंटिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। इनफैक्ट ये जो कलर है मर्सिडीज जी वैगन 2024 का एक स्पेशल कलर है, वो हमने किया है। और अब हम इसका इंटीरियर का काम चालू करेंगे। इनफैक्ट जब ये कार पेंट हुई और जो फिनिशिंग थी पेंट की, इट्स लुकिंग अमेजिंग। वी कांट वेट कि अभी एंड में कैसा दिखने वाला है। बट या अभी हम इसका इंटीरियर का काम चालू करेंगे और इंटीरियर में भी जो हमने मटेरियल सिलेक्ट किया है, आई डाउट आपको कहीं पर भी मार्केट में देखने मिलेगा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जेन्युइन नापा लेदर, बट इट्स आर्टिफिशियल लेदर, बट उसकी फिनिश और क्वालिटी वैसा ही है। तो इंटीरियर भी पूरा काम चालू करेंगे, फिर उसके अलॉयज फिट होंगे, ब्रॉन्ज अलॉयज। तो वी जस्ट कांट वेट कि अभी एंड में गाड़ी कैसी लगेगी। तो अभी बहुत जल्द हम इसका काम सब खत्म करेंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि एंड में गाड़ी कैसी लगती है। एंड येस, अगर आपको कोई कार चाहिए, मतलब सेकेंड हैंड कार चाहिए, आपको उसको लेके मॉडिफाई कराना है, या एज इट इज़ कम चली हुई कार चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अभी हमारे पास अवेलेबल है। क्योंकि हमने अभी हमारा नया बिज़नेस चालू किया ऑटोरोंडस कार्स, जिसका नंबर है 8552909090। काफ़ी सारी कम चली हुई कार है जो हमारे पास स्टॉक में है, लाइक स्कॉडा कॉडियाक है, कुशाक है, देन वर्तुस है, कैरेंज है, किया की,
देन देर इज मर्सिडीज एस क्लास, मर्सिडीज ई क्लास, सो काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। प्लीज़ हमारे उस नंबर पे कनेक्ट करिए अगर आपको कोई भी सेकेंड हैंड कार चाहिए। अगर हमारे पास नहीं भी है तो हम आपके लिए सोर्स करेंगे, एंड डेफिनेटली ऑटो राउंडर्स ब्रांड का ट्रस्ट आपके साथ हमेशा रहेगा, सो नो नीड टू वरी, दीज आर ऑल गुड कार्स, सर्टिफाइड कार्स। एंड आई एम श्योर अगर हुंडई वाले इस गाड़ी को देखेंगे ना तो वो भी सोचेंगे कि हमको भी ऐसी कुछ गाड़ी बनानी चाहिए थी, क्या पता शायद अभी नए वाले मॉडल में बना लें। सो आइए देखते हैं अभी गाड़ी कैसी लग रही है, एंड कमेंट में बताइएगा आपको कि कैसी लगी गाड़ी। इंडिया की फर्स्ट क्रेटा इन दिस ग्रीन कलर, आई डोंट थिंक अभी तक आपने कहीं पे भी इस शेड में कोई भी क्रेटा देखी होगी। और ये जो कलर है बहुत प्रीमियम शेड है, मर्सिडीज जी वैगन 2024 का कलर है। और ये प्रोजेक्ट जब हमारे पास आया था तभी हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि तब से आपको था कि ये गाड़ी कब कंप्लीट हो, क्योंकि ओवरऑल इसका जो भी हमने थीम लिया था इन टर्म्स ऑफ कलर, अलॉयज, इंटीरियर, एवरीथिंग दैट वी हैड थॉट दैट वी वांट टू डू इन दिस कार, वी वर वेरी एक्साइटेड कि एंड में गाड़ी कैसी लगने वाली है। और फाइनली जस्ट लुक एट दिस कार गाइस, मतलब इट्स एक्चुअली अ मास्टरपीस। मतलब इससे अच्छी क्रेटा मुझे नहीं लगता है कि आपने कहीं पे भी ऑनलाइन या पर्सनली देखी होगी। इनफैक्ट अभी वीडियो में तो जितना अच्छा दिख रहा है वो तो है, बट अगर आप इसको पर्सनली देखेंगे द अमाउंट ऑफ ग्लॉस एंड द शाइन एंड द फिनिश ऑफ दिस कार, यू विल नॉट बिलीव दैट दिस इज अ क्रेटा जो किसी ने भी मतलब इतने अच्छे से किया हो। सो पूरा थीम जो हमने सोचा था ना, तभी अलॉयज का भी डिस्कशन हो गया था, एंड आई वॉन्टेड समथिंग इन ब्रॉन्ज ओनली बिकॉज दिस ब्रॉन्ज कलर विद दिस ग्रीन गोज परफेक्टली वेल। और उसमें भी हमने एक साइज अप किया हुआ है, उस रीज़न से गाड़ी में लुक और भी अच्छा आ रहा है। पूरा ओवरऑल आप देखेंगे आप तो यहाँ पे ये पूरी जो थी ये सिल्वर लाइन थी, इसको हमने कंप्लीट ब्लैक किया हुआ है। ये भी पियानो ब्लैक है, इसमें भी वी वे लिटिल कन्फ्यूज कि क्या कलर करना चाहिए। कहीं ना कहीं मैंने इनिशियल जो थॉट लिया था कि अलॉयज का जो कलर है ब्रॉन्ज उससे मैच करे, बट वी वेर नॉट श्योर कि दिस इज अ वेरी बिग पैच। अभी भी मुझे लग रहा है कि शायद वो अच्छा लगता, आप भी कमेंट में बताइए, बट टू प्ले ऑन अ सेफर साइड व्हाट वी डिड, हमने इसको पियानो ब्लैक में कर दिया। इस गाड़ी में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, जो ओरिजिनल शेप है वही हमने रखा हुआ है उस, बट फिर भी इफ़ दिस कार विल स्टैंड विद एनी अदर क्रेटा वो देख के ही लगेगा कि ये क्रेटा बाकी सब क्रेटा से अलग है। और उसका रीज़न है ये पेंट जॉब, ये कंप्लीट थीम और इसका इंटीरियर। जस्ट लुक एट दिस इंटीरियर गाइस, मतलब जितनी गाड़ी अच्छी लग रही है बाहर से उतना ही स्पोर्टी इंटीरियर अंदर से भी किया हुआ है। और ये जो मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है गाइस, मतलब आई कैन एक्चुअली चैलेंज कि आपको ये मार्केट में कहीं मिलेगा ही नहीं। ये आपको ऐसे लग रहा होगा कि दिस इज़ जेन्युइन लेदर, बट इट्स एक्चुअली नॉट लेदर। दिस मतलब द फिटिंग, द सॉफ्टनेस, द फील, एवरीथिंग इज जस्ट लाइक जेन्युइन लेदर। मैं शायद बोल भी तो लोगों को यकीन हो जाएगा, बट यू नो वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट। सो दिस इज कॉम्पोजिट लेदर, बट दिस इज अ वेरी वेरी प्रीमियम क्वालिटी कॉम्पोजिट लेदर। थोड़ा महंगा है, बट लुक एट द फिट एंड फिनिश, द कार इज लुकिंग अमेजिंग। फुल ब्लैक विथ टैन, और ऑल्सो रूफ भी हमने ब्लैक किया हुआ है, कार्बन फाइबर फिनिश दिया हुआ है पूरे कंसोल से लेकर हर एक जगह पे। इस पार्ट को भी हमने इसके साथ मैच किया हुआ है।
So I always say that ki these kind of things happen when you are passionate about, you know, all these things. Ki matlab jo customer ne bola waisa kar diya, fatafat kar diya, business ke hisab se khali dekho ko fatafat number of cars deliver karo, logo ko target do, achieve matlab incentive do, wo sab auto rounders mein nahi hota hai. Uska reason ye hai ki at the end of it we should personally like this car, any car that we modify. तो अगर वैसा करना है तो टाइम लगेगा, यू विल हैव टू पुट योर हार्ट इन टू दिस, तब जाके ऐसा रिजल्ट आता है. और ऑटो राउंडर्स में जो भी कार हम करते हैं उसमें इतना एफर्ट जाता ही जाता है, इसीलिए ऑटो राउंडर्स में टाइम भी लगता है. बट एट द एंड यू कैन सी द रिजल्ट, द कार इज लुकिंग अमेजिंग. हमने जितना भी क्रोम था वो सब हमने डीक्रोम कर दिया है, बिकॉज दिस कलर क्रोम के साथ आई डोंट लाइक इट. क्रोम के बगैर डीक्रोम में ये पूरा का पूरा लुक एकदम ही ज़्यादा स्पॉटी हो जाता है. सो गाइस फाइनली वी आर डिलीवरिंग द कार, एंड you must have seen in the previous video what I told you about this car in terms of what we had thought and finally how it's looking. So now is the day that we are giving it to Mr. Mohit. So just wanted his feedback, ki how is the car looking, what you had expected, and is it matching to that? Yeah, yes to everything. I think the way I imagine it is way better than that. Although I was very skeptical ki should I be spending so much on a Creta. Okay. But like, I think I love the color from the start itself. And correct. The thing that you have done for the BMW, I was really awed by them. So okay. Your videos are really helpful to understand what the company is also all about. So that gave me confidence that I should give a try, and it's totally worth it, just worth the money. And I think it looks very classy, and I think it... Also sporty also. Sporty, yes. Yeah. Also for the interior part, I was very skeptical. I got into the overthinking ki, oh yeah. My god, is it like orangish? I could visualize on the day one that this is something, wherever you will park it, people will come and ask you ki, what is this and where did you got exactly. it done from? Yeah, I think it's like my new baby and my favorite thing. And like this customization is the best actually. Till date on Creta, yes, we also say that my personal thing is ki I haven't seen any Creta this decent and sporty enough which you can use on a daily basis yeah. and still like it even after a few years. Yeah. So that's what it is. So I think it's an awesome upgrade. Thank you so much. Thank you so much. I really loved it. Thank you. Yes. So I just need your thank you so much. I need your feedback. Okay. So overall how did you find it, like this color especially? Yeah. And in the entire thing I love the alloys. Yeah. But I want your opinion. I think for me also the best choice is the wheel and this customization, because I was actually thinking to wrap the car or something, and then you know this just happened, which is very subtle, and we also have like symbol there as well. So amazing. Yeah. And also kudos to you guys to being open about customization. It's not something ki you guys are like ki hum log color hi karenge, hum log ye karenge. Then so for us the rickshaw no fun. Exactly. If a car comes only for paint job, now we like it. But if it's coming for something different, then we love it. Exactly. And like that's what we had, because like the initial idea to go for the color on this thing only, car tires, you remember, like maine bola ye, and I'm like ki agar kar rahe to like acche se karenge, then that is like gives you a satisfaction ki you have done everything in one. And I also want to say Kunal, like you know, I think as a customer you always have that on and off, but he definitely like you know handled it so well. Of yeah. course we like you know had a beef in the middle, but then everything just got sorted. But yeah. And I still remember the time when you said like when it comes to an end, like if suppose there's this timeline, it's coming to an end, everybody is like on their toes ki kab hone wala hai, kaise aane wala hai, mujhe kab aana hai, and things got really heated in between. Main bola yaar kuch acha karne ja rahe ho, usme ye ho raha hai, like my god, like thankfully we have come to this day and I'm really happy, and I think I don't remember what has happened in the past and forward to the future and all of this. Yes. So one of the best job done by auto rounders till date, ये गाड़ी भी उसी में है. मिरर भी आप देखेंगे तो पूरा कार्बन फाइबर में किया हुआ है. दीज आर नॉट कैप्स, वी हैव डन हाइड्रो डिपिंग, ये हमने पेंट जॉब से किया हुआ है, वाटर बेस्ड पेंट जॉब. सो येस पर्सनली आई हैव लव दिस कार, कस्टमर इज ऑल्सो सुपर सुपर हैप्पी विद दिस फिनिश एंड ओवरऑल थीम जो हमने किया है. सो आप भी बताइए कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी. शायद हमारा पहला क्रेटा है जो इतना अलग तरीके से हमने बनाया हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि किसी के पास क्रेटा हो तो उसको ऐसा कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए. एंड वी हैव नाउ चारों वर्कशॉप के डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच.